वेलकम टू मनीष क्रू। आज है 2 दिसंबर, स्टार्ट करते आज की करंट अफेयर। तो पहली करंट अफेयर, एमपी का 2023 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश ने एड्स रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 69,400 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर में सबसे अधिक 12,773 मरीज थे। 7,000 से अधिक रोगियों के साथ भोपाल दूसरे नंबर पर है। स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से HIV नियंत्रण के लिए 60 से अधिक परियोजनाएँ चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करना। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर 1 दिसंबर 2020 को पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुई हैं। शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य विधान परिषद में नामांकन के लिए राज्यपाल को मातोंडकर का नाम सुझाया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में असफल चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने सितंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एशियाई विकास बैंक ने $132.8 मिलियन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $132.8 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह वितरण नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाने और मेघालय में आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। परियोजना 23 सब स्टेशनों का निर्माण, 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, वितरण लाइनों की 2214 किलोमीटर की स्थापना और उन्नयन आदि करेगी। विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं। भारत के कप्तान विराट कोहली 2 दिसंबर 2020 को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया। कोहली ने अपनी 242वीं पारी में मील का पत्थर हासिल किया और इस तरह सचिन तेंदुलकर द्वारा निर्धारित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने अपनी 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। UTIMF ने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। UTI स्मॉल कैप फंड 2 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। फंड का प्रबंधन UTI मिड कैप फंड के फंड मैनेजर अंकित अग्रवाल द्वारा किया जाएगा। फंड मिड कैप के साथ छोटे कैम का लगभग 65 से 80% आवंटन बनाए रखेगा। इसका लक्ष्य 60 से 70 शेयरों का पोर्टफोलियो रखना होगा, ताकि पोर्टफोलियो में बदलाव किए बिना इसे बढ़ाया जा सके। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 20,000 को पार किया है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2 दिसंबर 2020 को 2 साल में पहली बार 0.5% बढ़कर 20,000 के स्तर को पार कर गया है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को बाजार के मिड कैप खंड के आवागमन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 100 ट्रेडेबल स्टॉक शामिल हैं। PNB में पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशंस नामक एक तकनीक आधारित ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है। यह ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण और क्रेडिट संस्थाओं के अनुमोदन में सटीकता को बढ़ाएगा और बनाए रखेगा। इस प्रणाली को सभी प्रकार के ऋणों, MSMEs, कृषि, खुदरा और अन्य ऋण के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने की परिकल्पना की गई है।